Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum, this is Mohammed Zaheer Farooq from Excellence Online. Start karte hain apne sections ko. We started this chapter of accounting, retained earning. Company ka chapter hum padh rahe the, retained earning ka chapter humne start kiya. Retained earning, what is my retained earning? First of all, see very simple, a company ka sabse bada aim jo hai company ke liye sales karna hai. Jab wo sales karti hai, usme se aap minus karte hain cost of goods sold ko. To aapke paas answer aata hai gross profit. Aap minus karte hain operating expenses ko, to aapke paas ek net income aa jati hai, net operating income ya net income aati hai. ये नेट इनकम जो है आपने ट्रांसफर करनी होती है. अगर एक सोल ओनरशिप होता है तो ट्रांसफर हो जाती है कैपिटल के अंदर, पार्टनरशिप होता है ट्रांसफर होती है कैपिटल के अंदर. बट इट्स रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट है इसीलिए आप इसमें ट्रांसफर कर देते हैं रिटेन अर्निंग के अंदर. सो नेट इनकम ऑलवेज ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग. इसीलिए हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर कंपनी का सेकेंड चैप्टर जो है वो रिटेन अर्निंग से ही लिंक करता है. ठीक है, रिटर्निंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं. रिटर्निंग के चैप्टर में आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं तो आप देख सकते हैं. रिटर्निंग के चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट रिटेन अर्निंग आता है, जनरल एंट्रीज आती हैं, ज्यादा एंट्रीज नहीं है, देयर आर ओनली 4 5 6 एंट्रीज एंड देन टी अकाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग. ओनली 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर. समटाइम एक पार्शियल बैलेंस शीट भी पूछी जाती है. देयर आर ओनली 3 रिक्वायरमेंट्स इन एग्जामिनेशन और आपसे एग्जाम में 3 में से कोई कभी एक या कभी 2 रिक्वायरमेंट पूछी जा सकती हैं. रिमेंबर ये 3 रिक्वायर्ड मोस्टली अपीयर होती हैं, स्टेटमेंट, एंट्रीज एंड टी अकाउंट. लेट्स गो हेड नाउ, आगे बढ़ते हैं. एक सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग की. रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है. सबसे पहले इसमें लिखा जाता है बैलेंस. आप बैलेंस को देख सकते हैं, ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है, मींस लास्ट ईयर का बैलेंस है. रिटेन अर्निंग क्या है मैंने बताया, वो अकाउंट है जहां पर नेट इनकम क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है. नेट इनकम जब ट्रांसफर होती है तो उसे रिटेन अर्निंग से कंसिडर किया जाता है. ठीक है, रिटेन अर्निंग क्या है, सम ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. तो पिछले सालों का प्रॉफिट जो जमा है उसे हमने यहाँ पे बैलेंस के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ है. उसके अंदर इस साल की करंट ईयर की नेट इनकम प्लस हो जाती है. इफ देयर इज अ लॉस सो इट विल बी डिडक्टेड. अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे. फिर जो आंसर बचता है नेट इनकम और प्रीवियस बैलेंस को एड इनकम सूरत में लेस लॉस की कंडीशन में जो आंसर आता है उसे कहते हैं फंड अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन की आसान जवाब में मीनिंग बताई जाए तो एप्रोप्रिएशन की ईजीएस्ट मीनिंग है वो है यूज, इस्तेमाल, यूजेस. फंड अवेलेबल फॉर यूजेस या फंड अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन. याद रखिएगा एप्रोप्रिएशन सिर्फ 2 तरह की हमारे पास है. एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले डिविडेंड है और रिजर्व है. ठीक है, डिविडेंड एंड रिजर्व. जब बात आती है डिविडेंड की तो डिविडेंड हैज 2 टाइप्स, कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड. रिजर्व तो बहुत सारे बन सकते हैं. कैश डिविडेंड क्या होता है जनाब, आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में प्रॉफिट की सूरत में आप कैश पे करते हो, इन देयर अकाउंट पैसे ट्रांसफर करते हो. स्टॉक डिविडेंड मीन्स आप उनको बदले में शेयर्स दे सकते हो. ठीक है, स्टेटमेंट में आपने बैलेंस के अंदर नेट इनकम ऐड किया, नेट लॉस हो तो माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा सेकेंड है फंड अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, उसमें से आप लेस कहेंगे एप्रोप्रिएशन. देर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड एंड रिजर्व. आपके पास एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जहाँ मैंने एक कैश डिविडेंड लिखा हुआ है और डिफरेंट तरह के 3 रिजर्व लिखे हैं. पहला रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन है, रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन और रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज. ये 3 डिफरेंट तरह के रिजर्व हैं. रिजर्व इज लाइक अ सेविंग फॉर द फ्यूचर पर्पस. दैट पर्पस कैन बी एनीथिंग. दैट पर्पस कैन बी द फ्यूचर प्लांटेशन, दैट पर्पस कैन बी द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, दैट पर्पस कैन बी द फ्यूचर पेमेंट्स. जैसे यहाँ पे बिल्डिंग एक्सटेंशन की एग्जाम्पल है, यानी आपने उसको फ्यूचर के लिए एक बिल्डिंग एक्सटेंड करने के लिए अमाउंट रिजर्व कर लिया, डिबेंचर की पेमेंट के लिए रख लिए, या कंटिजेंसीज आने वाले अनसर्टेन सिचुएशन से निपटने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए अमाउंट एज कर लिया. यहाँ पे मैंने आपके पास 4 तरह के एप्रोप्रिएशन रखे हैं. 3 रिजर्व्स हैं और 1 डिविडेंड है. इन 4 को ऐड किया तो उसे टोटल एप्रोप्रिएशन कहते हैं और उसको प्रीवियस ऊपर दिए हुए बैलेंस यानी कि फंड अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन से आपने क्या कर दिया, माइनस. तो ये आ गया बैलेंस. ये एक मुख्तसर सा स्टेटमेंट है दैट कम इन एग्जामिनेशन. अगर एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग मांग ली जाती है तो इतना सा स्टेटमेंट है. आपने इसको खाली बैलेंस लिखना है, इनकम ऐड की, लॉस तो माइनस किया, माइनस करने एप्रोप्रिएशन. देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एप्रोप्रिएशन. तो ये बैलेंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. ये तो था स्टेटमेंट. नाउ लेट्स गो हेड नाउ एंट्रीज जो हमारे पास आती हैं. ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एंट्रीज हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम. ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम आप नरेशन में देख भी सकते हैं, नरेशन में लिखा हुआ है मैंने 2 रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम. अगर आप इनकम ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री बनेगी इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट. यू रिटेन अर्निंग एक प्रॉफिट अकाउंट है, जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा. तो इनकम समरी डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट प्रॉफिट के सिनेरियो में होगा. इफ देयर इज अ लॉस दिस एंट्री वुड बी रिवर्स, मींस रिटेन अर्निंग डेबिट इनकम समरी क्रेडिट, क्योंकि रिटेन अर्निंग का बैलेंस अब कम हो जाएगा. नाउ डिविडेंड,
डिविडेंड फर्स्ट टू बी डिक्लेयर देन टू बी पेड, डिविडेंड पहले डिक्लेयर होगा और फिर बाद में उसकी पेमेंट होती है। डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड डिक्लेयर होने की वजह से रिटेनिंग का बैलेंस कम हो जाता है, तो रिटेनिंग डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। मैंने एग्जांपल में कैश लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे कैश डिविडेंड पेएबल लिख दिया। इफ देयर वाज अ स्टॉक डिविडेंड तो रिटेनिंग डेबिट और स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट एंट्री रिजर्व की है, रिटेनिंग डेबिट और रिजर्व फॉर क्रेडिट, रिजर्व फॉर जो भी होगा, ये सब तीन रिजर्व थे तो यहाँ रिजर्व की एंट्री बनाई, रिटर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर, यहाँ बिल्डिंग एक्सटेंशन है। और इसी तरह से दो रिजर्व और हमारे पास थे, रिटर्निंग डेबिट और रिजर्व क्रेडिट। रिजर्व की हमेशा यही एंट्री बनती है। तो देर आर बेसिकली फाइव एंट्रीज इन दिस क्वेश्चन, तीन एंट्री आपके सामने स्वीकार चुकी हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम की आई, डिविडेंड डिक्लेयर की आई और रिजर्व की एंट्री आई। लेट्स गो अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं। एक रिटर्निंग का टी अकाउंट, रिटर्निंग का टी अकाउंट कैसे बनता है? रिटर्निंग के टी अकाउंट मीन्स आपने अपनी एंट्रीज को पोस्टिंग करना है। जो बच्चे इंटर कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड ईयर पढ़ के आ रहे हैं, वो जानते हैं कि रिजर्व, आप जो रिटर्निंग का टी अकाउंट बना रहे हैं वो जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना है, उससे टी अकाउंट कहा जा रहा है। तो आपने जितनी भी एंट्रीज बनाई उसको आप पोस्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि हमने बैलेंस के नाम से लिखा है, क्रेडिट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस था, फिर ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम थी इसलिए वो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनकम समरी डेबिट, रिटर्निंग क्रेडिट। अगर लॉस हुआ होता तो ये जो सेकंड आपने इनकम समरी का नाम देखा है वो भी डेबिट साइड पे आ जाता। बाकी हमने डिविडेंड और रिजर्व किए थे, उन सूरत में रिटर्निंग को डेबिट हुआ था, तो तीनों चारों आपके जिसमें डेबिट हो सकता है। तो ये हमारे रिटर्निंग का बैलेंस है, टी अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड के नाम से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर आर थ्री मेन रिक्वायरमेंट जो आपके साथ हमने इस पर शेयर कर दी। आगे बढ़ते हैं आप, एक फाइव ईयर का अनसॉल्व का एक क्वेश्चन करते हैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। इफ यू जस्ट गो फॉर द फाइव ईयर्स क्वेश्चन, फर्स्टली पहले स्टेप में आप अनसॉल्व को सॉल्व कर लें। फाइव ईयर्स हम कहते हैं लेकिन वो फाइव ईयर नहीं है, वो अनसॉल्व पेपर है, बिकॉज वहाँ फाइव ईयर्स के क्वेश्चन नहीं है, बगैर 25 और 30 ईयर्स क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो अनसॉल्व पेपर का हम एक क्वेश्चन 2012 प्राइवेट के क्वेश्चन, इतना पुराना क्वेश्चन नहीं है, हम आपके साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। 12 प्राइवेट में सबसे पहले हमने उसका स्टेटमेंट बनाया, 12 प्राइवेट का क्वेश्चन। लेकिन ऑल ऑफ यू मस्ट हैविंग अ फाइव ईयर अनसॉल्व पेपर इन योर हैंड राइट नाउ। आप 2012 का क्वेश्चन निकालें फाइव ईयर में, आप इस क्वेश्चन को अपने सामने रखें और उस क्वेश्चन को देखते हुए इस एंड वीडियो को देखेंगे तो आपको 12 का ये अनसॉल्व का ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देन यू कैन सी कि किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर क्वेश्चन मौजूद हो तो आपको इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा होगा बैलेंस, ये बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग का बैलेंस था 300,000 रुपीज़ का अमाउंट, यहाँ पे आपने देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में नेट इनकम का अमाउंट भी गिवन है, नेट इनकम को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के नाम से भी लिखा हुआ दिया जा सकता है। नेट इनकम इसमें ऐड की 550,000, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप देख सकते हैं। तो 300,000 में 550,000 ऐड हुए तो आंसर इज 850,000 रुपीज़, दैट इज कॉल्ड द फंड अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। फिर यहाँ से मैंने लेस करनी है एप्रोप्रिएशन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव appropriation number one cash dividend which is 2,50,000 rupees. There are three reserve, reserve for building extension, debenture redemption and contingencies. Tino reserve yahan par aa gaye, tino reserves ko dividend ke amount ko sum up kiya to it's become 445,000 which was be deducted from the funds available from appropriation jo ki 850,000 ka amount tha, to balance ho gaya. Dobara ke question ki humne pehli requirement mani ki statement hai, हमने अज्यूम किया कि स्टेटमेंट बनाना है, हमने स्टेटमेंट बना दिया इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगर ये स्टेटमेंट तो बन गया, अब इसकी एंट्रीज आप देख सकते हैं पीछे में, अगर तो स्लाइड्स आप पैक करके खुद देख लें, वीडियो था पैक करके, तो यही एंट्रीज थी, इन्हीं एंट्रीज को हमने यहाँ बना के, बस वहाँ पे हमने उसको एक्स रखा था क्योंकि अमाउंट नहीं रखा था हमने स्टेटमेंट के अंदर, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक इट क्लियर हमने उसका अमाउंट वगैरह रखा था। बट नाउ वी हैव फॉलोइंग अ क्वेश्चन ऑफ अनसॉल्व पेपर, वहाँ अमाउंट मौजूद थे तो यहाँ अमाउंट मैंने पोस्ट कर दिए हैं। इनकम समरी डेबिट रिटर्निंग क्रेडिट 550,000 ये नेट इनकम का बैलेंस है, मैं बैक करता हूँ स्लाइड, आप देख सकते हैं ये नेट इनकम का बैलेंस 550 था, यही बैलेंस यहाँ पे आगे मूव होकर हमारी पहली एंट्री में आ गया। कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था तो कैश डिविडेंड की एंट्री में आप देख सकते हैं 250,000 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। रिजर्व की एंट्री 100,000 बिल्डिंग एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन एंड रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, तीनों रिजर्व हमारे यहाँ पर आ गए। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव डन इट पोस्ट द एंट्रीज ऑफ द अमाउंट। देन गो अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं। हमने इसी सवाल का एक स्टेटमेंट का हमने स्टेटमेंट बनाई, एंट्रीज बनाई, अब टी अकाउंट बना दिया। 2012 प्राइवेट के ईयर को हमने तीनों चीज़ों में सॉल्व किया। टू आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु जस्ट सीन दिस वीडियो, आपसे ये कहूँगा कि आप अनसॉल्व के तमाम क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या एटलीस्ट 5 और 10 ईयर्स की प्रैक्टिस भी कर लें
सो उस क्वेश्चन की सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को फॉलो ना करें, डू इज़ अ मोर थिंग, एक्स्ट्रा काम कर लीजिए. तो जस्ट डू इट मोर, एक्स्ट्रा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. हमने इसका टी अकाउंट भी बना दिया आपके लिए. आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रेनिंग का बैलेंस 3000 ऐड किया, 550 इनकम समरी ऐड हुआ, और क्रेडिट साइड पे आपने रिजर्व्स और डिविडेंड को कर दिया. ये स्टेटमेंट बन गया, एंट्री भी बन गई, टी अकाउंट भी बन गया. एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों काम कर लिए. अब जो भी रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से उसको फॉलो कर लेते हैं. तो आप जो क्वेश्चन करें इन वीडियोज को देखते हुए, आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि आप हर अनसॉल्व के हर क्वेश्चन का जस्ट डू इट मोर, एक्स्ट्रा कर लीजिए, कम नहीं करें. ज़्यादा कर लेंगे अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है. नाउ नो क्लास इज कम्प्लीटली विदाउट द होमवर्क. कोई क्लास कम्प्लीट नहीं होती तो होमवर्क ना दिया जाए. दिस इज़ अ कम्प्लीट क्लास. हम इसको क्लास के तौर पर ही स्टडी कर रहे हैं. यू आर स्टेइंग एट योर होम और उसको क्लास समझ के पढ़ें. सो देर आर होमवर्क्स फॉर यू. 2012 रेगुलर, लेट्स डू इट योर सेल्फ, खुद ट्राई कीजिए इसको. 14 प्राइवेट का ईयर खुद ट्राई कीजिए. 11 रेगुलर के ईयर को भी खुद ट्राई कीजिए. इन अ नेक्स्ट वीडियो हम जब आपके साथ आएंगे तो हम पहले इन तीनों ईयर्स के सॉल्यूशंस आपको शेयर करेंगे, एंड देन वी गो फॉर अनदर क्वेश्चन. ठीक है, तो बस हम विषय को सॉल्व करने बैठेंगे. नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप ये तीन ईयर्स जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी हेल्प हो सकें कि आपने कितना स्कोर किया, कितना आपने बेटर परफॉर्म किया. रिक्वायर्ड्स भी फॉलो करें, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर लें. एज आई सेड, थोड़ा एक्स्ट्रा करना बुरी बात नहीं है. वेल, दिस इज एंड फ्रॉम माई साइड. दोबारा मुलाकात होगी फ्रॉम एक्सेलेंस ऑनलाइन. थैंक यू.